सपना था, कितना बुरा सपना था ये। लोग कहते हैं सुबह का सपना हमेशा सच होता है, कहीं सच में तो जीजा जी के सर पे खतरा तो नहीं मंडरा रहा, कहीं उनकी जान पे सच में। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जीजा जी को कुछ नहीं हो सकता, जरूरत पड़ी तो मैं उनके सामने ढाल बन के खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अरे इलायची की माँ, इलायची की माँ, इलायची की माँ कहाँ है, जल्दी आ बाहर। अभी बुला रही हूँ उसे देख। अरे इलायची की अदरक माँ, आ जा जल्दी बाहर, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या इलायची के पापा मुझे अदरक कह के क्यों बुला रहे थे? अरे मम्मी यार, कहाँ से बुला रहे हैं आपको पापा? ना इलायची ना, मैं सब समझती हूँ, तेरे पापा को लगता है कि मैं अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे अदरक कह के बुला रहे थे, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तू यार समझ ही नहीं रही है, इस बार तेरे भाग की मरम्मत करने के लिए कुछ लाया हूँ। इलायची बोल दे अपने पापा को कि अगर इनको मजाक करना है ना तो छोटे की दुकान पे जाके करे, तेरे लिए कुछ लाया हूँ बोल के मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू समझ ही ना रही है, तू हर बात में ऐसे पिन्ना जाती है। देख इस बार करवा चौथ है तो मैंने सोचा कि इस बार ना तेरे लिए कुछ ऐसा करूं, मतलब अच्छा सा कुछ कर दूं। हाँ सीरियसली? हाँ मम्मी के लिए करवा चौथ का व्रत रख रहा हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू पापा। अरे बेकार की बात ना कर, तू इलायची है, करवा चौथ का व्रत कैसे रखूंगा, तुझे मालूम है ना मुझे भूख बर्दाश्त ना है, अगर मैंने करवा चौथ का व्रत रख लिया ना तो तुम लोगों को मेरा चौथा रखना पड़ेगा। पापा अगली बार आपने दोबारा ऐसा बोला ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक, तो ठीक है कोई बात ना, मैं तो वैसे ही कह रहा था। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए मालूम है क्या लाया हूँ, समझ जा, इस बार करवा चौथ का तोहफा लाया हूँ। तोहफा? हाँ। और तुम दे रहे हो वो भी जिंदगी में पहली बार? जिंदगी में पहली बार? अच्छा इतनी लंबी जो तोहफी दी है मैंने तुझे वो, ये तूने क्या कच्चे आम खा के पैदा कर ली, बात कर रही है तू भी बेकार की। अरे मैं तेरे लिए, ओहो अब देख मैं दिखा रहा हूँ तुझे, ये देख क्या लाया हूं, देख तो। वाओ लहंगा बहुत पिटी है यार, अच्छा लग रहा है। हाँ बताया तुझे, पूरी दिल्ली में ऐसे घूम घूम के जगह जगह जाके देखा तब जाके मिला। अरे ये तो ऐसा लहंगा है कि अपनी दुकान में मतलब मेरा मतलब मैं अपनी दुकान में रख भी ना सकता हूँ, ऐसा लहंगा है ये, इतना महंगा। अच्छा है मम्मी, हेमा मालिनी लगोगी पहन के मस्त? ना मुझे तो हेलन लगना है। जो बेलन लग रहा हो वो हेलन कैसे लगेगा? ना ना मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि मतलब इतना अरे बहुत महंगा लहंगा है भैया, पूरी दिल्ली छान ली मैंने तब जाकर मिला, एक बार ऐसे लगा के तो देख अपने ऊपर ऐसे। हाँ अरे सेठ जी, वो सेठ जी वो लहंगा गायब हो गया। कौन सा लहंगा? अरे सेठ जी वो नारंगी रंग का नहीं था वो, जो पिछले 6 महीने से हम बेचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बिक ही नहीं रहा था। अरे सेठ जी वो पुराने डिजाइन वाला, याद आया आपको? ये तो रहा। सेठ जी आपने बताया नहीं कि आप ये लहंगा घर पे ले आए। इलायची के पापा 1.5 लाख का हार तो है, तुम ला के दोगे मुझे? अब जब तक तुम मुझे 1.5 लाख का हार ला के नहीं दोगे ना, मैं कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। अरे सुन तो, करूं सुन तो, तू और आ गया चूना लगाने, बात कर रहा बेकार की। अरे सुन करो इलायची जी, हम दुकान संभालते हैं। करवा चौथ? हाँ इस बार का करवा चौथ का व्रत मैं भी रखूंगी, जीजा जी के लिए, जीजा जी की लंबी उम्र के लिए। भगवान जी सब ठीक रखना प्लीज।
अरे छोटे हैं? सुन, जरा आज अच्छी तरह से मालिश कर दे मेरी, एकदम मतलब मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब एकदम टूट रहा है बदन। अच्छा हाँ, क्या हो गया? इलायची ने कोई नया कांड कर दिया क्या? अबे इलायची ने ना कर दिया, इस बार इलायची की माँ ने कांड कर दिया। अच्छा, सेठानी ने गले से पैसे निकाल लिए क्या? अबे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? वो पैसे निकालने वाली पार्टी ना है, हाँ। वो पैसे निकलवाने वाली पार्टी है। अच्छा हाँ, मेरे तो मतलब एकदम पीछे पड़ गई है, मुझे लूट के रहेगी वो। अब तू बता, इस बार करवा चौथ पे उसने 1.5 लाख का हार मांग लिया मुझसे, अब 1.5 लाख यहाँ रखे हैं क्या बता? पीठ जी सुनो, यहाँ ना रखे हैं लेकिन तिजोरी में तो रखे हैं। अबे तिजोरी में रखे हैं तो तिजोरी में रहने दे, बाहर निकलने से नोटों की जो है तबीयत खराब हो जाती है, समझ रहा है तू? सेठ जी शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा धंधा ऐसा चल रहा है कि कम से कम सेठानी कम से कम हीरो के हार की फरमाइश तो कर सकती है। मेरी हालत देखो सेठ जी, अगर सोचो मेरी शादी हो गई होती और मेरी बीवी होती तो मुझसे पता क्या कहती? क्या? छोटे चौराहे पे चला जा, दो पान बनवा ले करवा चौथ में चबाने के लिए। अबे एक बात बताओ तुझे, ये फरमाइशें जो है ना, हाँ। ये तिजोरी की दीमक होती हैं, हाँ। उससे जितना दूर रहो भैया उतना ही अच्छा, सही बोल रहा हूँ? कस के कर यार, ऐसी करो। सेठ जी एक बात कहूँ? हाँ क्या? एक सेकंड ठहर जाओ। हाँ। शुक्र मनाओ के तुम्हारा धंधा बढ़िया चल रहा है। हाँ। मेरी हालत देखो, हाँ। ऐसा धंधा मंदा चल रहा है कि मतलब पूछो, मतलब हालत खराब है मेरी। आदि मानव का फैशन आ गया है, लोग बिल्कुल मतलब लंबे बाल बढ़ा रहे हैं, लंबी दाढ़ी बना रहे हैं, दिमाग खराब हो रखा है, कोई बाली कटाने ना आ रहे हैं। क्या बात कर रहा है? और क्या? अच्छा अब तुम बताओ, इतनी देर से बैठे एक भी कस्टमर आया क्या? ना। अरे हालत खराब है मार्केट की। पहले सेठ जी ऐसा होता था, औरतें जो होती थी ना आदमी की बराबरी करती थी, अब उल्टा हो रहा है, आदमी औरतों की बराबरी कर रहे हैं, लंबे लंबे बाल करा रहे हैं, चोटी रखा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, ऊपर से ये दाढ़ी रखने का जाने का तो फैशन आ गया। दिमाग खराब है मेरा, लाल दाढ़ी में लड़कियां मर रही हैं। बताओ अब मुझे देख, हाँ। मैंने तो ना पढ़ाई कभी बाल, बता। सेठ जी शादीशुदा आदमी है ना जो, हाँ। उनको तो भूल जा, मतलब उनकी बाल बढ़ाने की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि गृहस्थी चलाते चलाते आधे बाल उड़ जाते हैं उनके। अबे वादा हूँ छोटे, सुन सुन, हाँ। मेरी बात सुन ले, हाँ। तू बिल्कुल उदास मत हो, हाँ। अरे फिर से वापस से वो आ रहा है फैशन कि लोग छोटे बाल रखने लगे हैं, और देख सफा चट एकदम। तो क्या सर्च कर रही है? सुनू, मैं वो करवा चौथ के रिचुअल्स सर्च कर रही हूँ। पर करवा चौथ के रिचुअल्स क्यों? आंटी जी को तो आते हैं करवा चौथ के रिचुअल्स। आंटी जी को आते हैं लेकिन उनकी बेटी को ठीक से नहीं आते ना। यू तो करवा चौथ का व्रत रखने वाली है। सेठ जी हाँ? मैं क्या कह रही हूँ, तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर में करवा चौथ का व्रत किस किस ने रखा है? घर में करवा चौथ का व्रत किस किस? अरे सेठानी रखेगी और कौन रखेगा, बात कर रहा तू? अरे सेठ जी तुम्हें अंदर की हवा ही ना है, बहुत भोले हो तुम। और इलायची कैसी है? हाँ सुनो, सच में मैं करवा चौथ का व्रत रखने वाली हूँ जीजा जी के लिए। पर पागल, करवा चौथ का व्रत तो बीवियां रखती हैं। तो मैं भी तो मन से जीजा जी को अपना पति ही मानती हूँ ना। सुनो सोचना कितना मजा आएगा, घाघरा चोली पहनूंगी, एकदम सुंदर बन के जीजा जी के सामने जाऊंगी, चांद को देखूंगी, जीजा जी को देखूंगी, और फिर जीजा जी मुझे खाना खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे, और कितना अच्छा लगेगा ना सुनो। क्या कर रहा है तू भाई? देख रहा हूँ भाई छलनी के अंदर से तू कैसा दिख रहा है। यार मुझे एक बात समझ ना आई, ये जो बीवियां होती हैं ये अपने पति को करवा चौथ पे छलनी के अंदर से क्यों देखती हैं? देखो मुझे ऐसा लगता है कि छलनी से चीजें साफ हो जाती हैं, तो पत्नियों के लिए कम से कम एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जब उन्हें ये लगे कि उनके जो पति हैं उतने गंदे नहीं है जितना वो समझती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मुझे तो बस यही लग रहा है यार,
कब सुनीता जी मेरे लिए व्रत रखेंगी और कब वो मुझे ऐसे करके छलनी से देखेगी। भाई तुझे छलनी से देखेगी ना तो छलनी काली पड़ जाएगी। सुनो देख, मैं ये व्रत ना जीजा जी की लंबी उम्र के लिए रखना चाहती हूँ। तुझे पता है मुझे बहुत ही बुरा सपना आया। आज वो मैंने देखा कि जीजा जी के सर पे ना बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उनकी जान को खतरा है। बेटा मैं ना तेरे नाम का करवा चौथ का व्रत रख लूंगा, भरी दोपहरी में पूरी खा के तोड़ दूंगा और जैसे ही मेरा व्रत टूटा टूटे बोल जाएगा। ओ भाई गलती से भी ऐसा मत सोचियो, समझा? तुझे याद है जो हमारे गांव के महापंडित थे गुरु घंटेश्वर, उन्होंने हमारे बारे में क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि हमारे लिए जो भी लड़की सबसे पहले व्रत रखेगी वो व्रत पूरा होने से पहले ही ऊपर निकलेगी, समझा? और चांद को धरती से नहीं भाई साहब बगल से देखेंगी। क्या बात कर रहा भाई? कहा जाता है कि कोई भी कुंवारी लड़की अगर किसी भी आदमी को अपना पति मान के उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखे ना तो वो अपशगुन होता है। सुनो मैं उनसे अंधविश्वास में बिलीव नहीं करती हूँ। अरे गुरुजी कुछ भी बोलते रहते भाई, मैं ना मानता ये सब। अबे क्या बोल रहा है तू, पागल है क्या? अरे यार गुरुजी ने तो बोला था कि तू ऊपर जाएगा, तू गया ऊपर। हाँ तो भाई इस घर की छत पे है ना, ऊपर ही तो है हम। अच्छा अच्छा, तो गुरुजी ने तो कहा था कि तू लड़कियों के नजदीक जाएगा, तू कब गया नजदीक बता? हाँ तो भाई रोज दुकान में लहंगे लपेटता हूँ ना मैं, इतनी सारी औरतें आती तो हैं। क्या बोल रहा है यार तू? ओ भाई तुझे याद है उन्होंने ये भी कहा था कि तू मर्द से सीधा औरत बन जाएगा, देख ले। हाँ भाई बात तो सही कह रहा तू, गुरुजी की बात हो तो सच जाती यार। बिल्कुल। ओ मेरी धर्म पत्नी रख ले मेरे लिए व्रत रख लेना, मेरी बुब्बू व्रत रख ले मेरे लिए। चले मैं तेरे लिए एक सेकंड भूखा ना रहूं, व्रत रखूं मरना है क्या मुझे? मैं ये करवा चौथ का व्रत जरूर रखूंगी सीता जी के लिए। सुनो यार क्या हम व्रत तो रख रहे हैं, इसमें करना क्या होता है? भूखे पेट रहना होता है, छलनी से अपने पतिदेव को देखकर उनकी पूजा की जाती है। छलनी से पूजा? ले मुझे तो लगा था छलनी से सिर्फ आटा ही छान सकते हैं। तूने मेरे एक्साइटमेंट की बैंड बजा दी, चुप कर, मुझे मेहंदी लगवाने दे। भैया आगे बताओ ना। अब और क्या बताऊं जी, आगे तो आपकी सासू माँ ही बता देंगी। वैसे हाथ जी बड़े कोमल है रखे आपके। मेहंदी लगाओ चुपचाप। जी कितने में लगा रहा तू? 500 के एक हाथ की। 500 में एक हाथ? अबे हाथ में मेहंदी लगा रहा है या हाथ का ऑपरेशन कर रहा है? सही से लगा था। 400 एक एक हाथ का, झूठ ना बोल रही है मैं, यकीन नहीं होता तो बच्चियों से पूछ लो, इनके लगा रहा हूं मैं। अच्छा तो बच्चियों कितने में लगा रहा है ये? देखा 400, झूठ ना बोलता मैं। अबे 400 में ये बच्चियां लगवा रही होंगी, हैं? अमीर बाप की बच्चियां हैं, मैं इतना अमीर ना हूं। ऐसा है भाई साहब, 300 लास्ट प्राइस। अच्छा चल ठीक है, सुन शाम को घर पे आ जाइयो। भाई साहब उसके अलग लगेंगे 500 रुपए। क्यों बे? अलग क्यों लगेंगे? पेट्रोल पी के आएगा क्या तो अलग लगेंगे? शाम को आ जाइयो, बता रहा हूँ बंसल 400 भी लहंगे वाले की दुकान है ना, उससे ही सटा हुआ घर है मेरा। नखरे तो ऐसा दिखा रहे हैं। सुनो जाएंगे और पापा चले गए, अगर वो देख लेते ना फिर सोचते कि हम व्रत किसके लिए लग रहे हैं और ये मेहंदी किसके नाम की लगा रहे हैं, घंटे हो जा रहे हैं। हाँ यार। अरे ऐसे बोल देता हूँ एक लड़का और हेल्पर के लिए ले आए तो अच्छा रहेगा। यहाँ क्या कर रही है ये?
ये कहाँ चली गई? अरे मंगीलाल, तू तू साड़ी ठीक से पकड़। पिंकी जी बोल रहे, पता है अगर ये फॉल ठीक से लगानी ना तो श्रीमती जी नाराज हो जाएंगे यार। करवा चौथ का तोहफा बढ़िया है। हाँ हाँ मंगीलाल, बिल्कुल सही पकड़ा है तूने। तुझे पता है पिंकी जी ने ना इस साड़ी का मैचिंग ब्लाउज भी सिल लिया है। कौन जाए बाजार जाके महंगे महंगे तोहफे खरीद के लाए यार। इससे क्या होता ना, भाभी जी भी खुश हो जाती है और पिंकी जी की जेब भी। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। ये क्या है? अरे श्रीमती जी, ऐसी क्या बात हो गई कि पिंकी जी से मिलने थाने आना पड़ गया आपको? वो क्या है ना, हम मोंटे शॉपिंग सेंटर गए थे तो वहाँ पे 25,000 की शॉपिंग कर दी। आप ना शाम को जाते हुए पैसे दे देना 25,000। और हाँ जल्दी भी आना। क्यों? मेहंदी लगाने जाना है। क्या? अरे मेहंदी लगवाने के लिए पूरे मोहल्ले की लेडीज पिंकी जी के पास आती है, और आप मतलब क्या कहीं और जाओगी लगवाने के लिए? भाभी जी, करवा चौथ व्रत रखने से उम्र बढ़ती है, तो ऐसा कोई व्रत है क्या जिससे उम्र घटती हो? मुझे भी ना किसी लीचड़ के लिए व्रत रखना है। भाभी जी, आप व्रत रखती हैं साहब जी के लिए? जी जी। अरे और क्या, मतलब भाभी जी को काम है ही क्या घर में? सुबह के नाश्ते से लेके रात के खाने तक पिंकी जी सब एकदम से रेडी करके यूं लगा के आ जाते, फिर करना क्या, सारा दिन बस बैठे 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 रहो। उससे देखो भाभी जी का वजन भी बढ़ता जा रहा, एक दिन जरा नहीं खाएंगी तो सेहत भी अच्छी हो जाएगी। हाँ भाभी जी, साहब जी की सेहत ना तगड़ी हो रखी है। इन्होंने आपके लिए कभी व्रत रखा? क्या बात कर रही है तुम मंगीलाल, कम मर्द भी कभी क्या करवा चौथ का व्रत रखते? अच्छा, ऐसे तो आप बड़े मोहल्ले की बहू बनते घूमते हैं, और जैसे ही भूखे रहने का नाम हुआ तो मर्दानगी जाग गई। सुनो, इस बार ना करवा चौथ ना आप रखोगे। क्या? हाँ, और हम जा रहे हैं आपकी सर्गी की तैयारी करने। अरे समझे? ना बाय। बात सुनिए। हेलो बाय बाय भाभी जी। अरे लेकिन करवा चौथ पिंकी कहीं जाओ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, कौन देख रही है तू साड़ी पकड़ ठीक से? इलायची की माँ। अरे इलायची की माँ। हाँ, अरे आ रही हूँ इलायची के पापा। क्या हुआ, क्यों इतना चिचिया रहे हो? मैं चिचिया रहा हूँ क्यों बताऊँ? क्यों? तेरी लड़की जो है बिन में आए किसी के नाम की मेहंदी रचवा रही थी बाजार में। आज मैं पूछ कर आऊंगा, उससे बता रहा हूं। रानी क्या समझ रही है? एक मिनट रुक, इधर आ। एक बार बता, अपने माँ बाप का नाम ऐसे उछाल रही है तू? मुझे ये बता किसके नाम की तू मेहंदी रचवा रही है अपने हाथों में? नाम बता दे उस लड़के का, उस लड़के का दिल कम कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। अरे बता ना इलायची, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे बता ना मुझे, बोल किसके नाम की मेहंदी रचवा रही है अपने हाथों में, एक बार उसका नाम बता दे। अरे तू क्या, उसकी आरती तो मैं खुद उतारूंगा, फिर अपने नाम का व्रत रख पाना भूल जाएगा वो। ये सुनना बाकी रह गया था भैया, बता तो। लड़की का चक्कर चल रहा है। हम तो तुमसे पहले ही कह रहे थे कि छटंकी के हाथ पे लगाम दे दो। ऐसे कसूंगा कि सीधा स्कूल से घर, घर से सीधा स्कूल। बात ही ना समझ रहे तुम हमारी, बात बहुत बड़ा हो रहा है ये। अच्छा, तेरी लगाम तो बहुत कसी हुई है। घर से सीधा जेल और जेल से सीधा घर, बात कर रहा है बेकार की। ये तो गंदी बात है तुम्हारी। हम तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं, तुम हमारी खिंचाई कर रहे हो यार मेरे। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। तुम दुकान में घुसे रहते हो, घर को देखने वाला भी तो कोई मर्द चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए लड़की बिगड़ रही है तुम्हारी। मैं क्या कह रहा हूँ,
देखो ऐसा है, तुम्हें दुकान में बैठना है, तुम दुकान पे बैठो, मैं घर में रुकूंगा, पूरे घर की रखवाली करूंगा, उसके बदले में तुम्हें 20-25 हज़ार रुपये दे दिया, फिर देखिए मजा आ लेगा, लड़की घर से बाहर निकल जाए। इलायची के पापा छटंकी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही तो, अगर आप सबका हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? बोल। हाँ, मैं व्रत रखने वाली हूँ और जिसके लिए व्रत रखने वाली हूँ उसका नाम है